रक्षाबंधन पास आ रहा है और टेस्टी मिठाई तो बनती है, ब्राउनी बर्फी। ऐसा कभी आपने सुना है? नहीं ना, है ना एकदम अनोखा। जी हाँ, ये अनोखी रेसिपी मैं लाई हूँ आपके लिए, जहाँ पर आपको बर्फी में मिलेगा ब्राउनी का स्वाद। तो चलिए स्वादिष्ट ब्राउनी बर्फी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैं ये जो बिस्किट आते हैं चॉकलेट के, मैं वो ले रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है और कोई और चॉकलेट के बिस्किट्स अवेलेबल है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। मेरे घर में ये बिस्किट्स अवेलेबल थे इसलिए मैंने इन्हें ले लिया। मैंने इसमें से ये जो एक पैकेट आता है वो ले लिया है। ये कोई भी बिस्किट का जो रेगुलर साइज का पैक आता है वही साइज का बिस्किट का पैकेट है। ये पैकेट में टोटल 10 बिस्किट्स हैं। मैं ये 10 बिस्किट्स ले रही हूँ, उनके टुकड़े बनाकर उन्हें मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। यहाँ पर हमने क्रीम का भी उपयोग किया है, हम क्रीम के साथ ही ये टुकड़ों को पीस लेंगे। अब मैं इसे पीस लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बिस्किट का पाउडर है वो बनकर तैयार है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई के अंदर एक ग्लास दूध डाल रही हूँ। ये ग्लास लगभग 250 ml का ग्लास है। मैंने 250 ml ग्लास के नाप से एक ग्लास दूध इस कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर आधा कटोरी घर की मलाई ऐड कर दूंगी। ये रेसिपी हम बिना मावा, बिना कंडेंस मिल्क, बिना मिल्क पाउडर के बना रहे हैं, तो इसलिए हम घर की मलाई इसमें ऐड कर रहे हैं, जिससे कि इसमें क्रीमीनेस और रिचनेस आए। दोस्तों, मैं इसके अंदर 4 tablespoons सूजी डाल रही हूँ। जो बारीक सूजी रवा होता है मैंने इस रेसिपी को बनाने में उसका उपयोग किया है। मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। दोस्तों, ये मिठाई बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और ये झटपट तैयार हो जाती है। आपके घर में जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, सिंपल इंग्रेडिएंट्स से ये मिठाई तैयार होती है और जो बहुत टेस्टी बनती है। अब मैं आंच को थोड़ा तेज कर रही हूँ और इसे हम कुक कर लेंगे। ये जो रेसिपी है मैं आपको एकदम हलवाई स्टाइल सिखा रही हूँ फ्रेंड्स। हलवाई हमेशा सूजी या तो फिर गेहूं का फाड़ा, जिसे गेहूं का दलिया कहते हैं, उसे मिक्सी में चर्न करके उसका भी उपयोग करते हैं। मैं आपको इस प्रकार से सिखा रही हूं। दोस्तों, हमें मिक्सर को लगातार चलाते हुए कुक करना है। देखिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे जो मिश्रण है वो ठीक होता जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मिक्सचर इतना थिक हो जाता है उसके बाद हम इसके अंदर आधा नींबू स्क्वीज कर लेंगे। ये स्टेप करने से फ्रेंड्स आपकी जो बर्फी है एकदम दानेदार और बढ़िया बनेगी। फ्रेंड्स, ये जो बर्फी है हम उसे मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए कुक करेंगे। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन आ रही है और ये मिठाई आपके भैया को ज़रूर बहुत पसंद आएगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही इजीली अवेलेबल घर पे जो हमें आसानी से मिलते हैं वही इंग्रेडिएंट से झटपट तैयार हो जाती है और इसका स्वाद एकदम बढ़िया होती है। ऐसा लगेगा कि आपने मिठाई की दुकान से खरीदा है। देखिए दोस्तों, ये मिश्रण जैसे इतना गाढ़ा हो जाता है और आप देख सकते हैं वो पैन में से अलग हो रहा है। जैसे ही यही कंसिस्टेंसी पे आपका मिश्रण पहुंच जाता है, आपको इसमें शक्कर ऐड करनी होती है। अब मैं इसके अंदर शक्कर ऐड कर रही हूँ। मैं इसके अंदर 7 tablespoons चीनी ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, चीनी का नाप जो है आप अपने स्वाद अनुसार और अपने घर के टेस्ट के अनुसार एडजस्ट करिएगा। मेरे घर में हमें थोड़ा सा स्वीट टेस्ट पसंद है, इसलिए हम थोड़ी ज़्यादा चीनी ऐड करते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप इससे कम भी डाल सकते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, शक्कर जैसे जैसे पिघल रही है ये मिश्रण पतला होते जा रहा है। हमें इसे लगातार स्टर करते हुए गाढ़ा मिश्रण होने तक कुक करना है। ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा थिक हो गया है, आप देख सकते हैं ये एकदम जो कढ़ाई है उससे अलग हो गया है, एक अलग से बॉल बन गया है आप देख सकते हैं। पर ये अभी भी थोड़ा सा स्टिकी है तो हम इसे थोड़ी देर और इस तरीके से चलाएंगे, जिससे कि जब हम इस बर्फी को सेट करने के लिए रखें तब ये बढ़िया तरीके से सेट हो जाए और अलग हो जाए। देखिए दोस्तों, ये बर्फी का जो मिश्रण है वो बनकर तैयार है। अब हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे। देखिए दोस्तों, अब ये जो हमने रवे का मिश्रण बनाया था उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ये चॉकलेट का पाउडर। जो चॉकलेट बिस्किट हमने पीसे थे उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और सारी सामग्री को मिला लेंगे। देखिए दोस्तों, बिना चॉकलेट के भी चॉकलेट की बर्फी इतनी बढ़िया कैसे बन सकती है वो मैंने आपको सिखा दिया। इस रक्षाबंधन अगर आपके भाई बिल्कुल मेरी तरह चॉकलेट लवर है तो उनको ये बर्फी बेहद पसंद आएगी और वो कह भी नहीं पाएंगे कि ये आपने बिस्किट से बनाया है। इसका स्वाद, इसका टेक्सचर, हर चीज एकदम याद रह जाने वाला है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, हर एक चीज घर पे अवेलेबल आसानी से हो उसी से हमने ये बर्फी की रेसिपी बनाई है। देखिए दोस्तों, एक्चुअली स्पैचुला या किसी और टूल से मिक्स करना इतना आसान नहीं होता जितना हाथों से है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम आटे को बनाते हैं रोटी के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से इसे हम मिक्स करेंगे तो इवनली हर जगह चॉकलेट का स्वाद इसमें बैठ जाएगा और इसे खाने में भी बहुत मजा आएगा। फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। देखिए हमारा डो बनकर तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक एल्यूमिनियम की रेक्टेंगल शेप की ट्रे ले ली है, मैं उसे घी के साथ ग्रीस कर लूंगी। हमें चारों कोने जो है ट्रे के, जो चारों कॉर्नर्स है, वो अच्छी तरीके से घी के साथ ग्रीस करना है, जिससे कि हमारी बर्फी जब हम इसमें डालें तब अच्छी तरीके से सेट हो जाए और जब डीमोल्ड करें तब अच्छे से डीमोल्ड भी हो जाए। देखिए दोस्तों, अब मैं हमारी ग्रीस की हुई ट्रे के अंदर हमारा ये बर्फी का जो मिश्रण है उसे प्लेस कर लूंगी और इसे स्पैचुला की सहायता से इवनली स्प्रेड कर लूंगी, जिससे कि हर कोने में इवन हिस्सा हो। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छी तरीके से एक टिन के अंदर इस तरीके से सेट करने के लिए रख दिया है। एक बार ये सेट हो जाए फिर हम इसे सजा लेंगे। चलिए अब हम इसे सजा लेते हैं। मैं इसे सजाने के लिए चांदी के वर्क का उपयोग कर रही हूँ। ये लगाना ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपके घर में आप चांदी का वर्क नहीं यूज करते हैं, आप नहीं खाते हैं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। आप इसके अलावा और कोई भी डेकोरेशन का उपयोग कर सकते हैं। पर दोस्तों, रक्षाबंधन के ऐसे पावन अवसर पर हम अक्सर मिठाइयों को एकदम सजाते हैं ताकि वो बहुत ही सुंदर और रॉयल दिखे, इसलिए मैं इसका उपयोग कर रही हूँ। अब मैं इसे थोड़े से पिस्ता के टुकड़ों के साथ सजा देती हूँ। अगर आपको कोई और ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं इसे सजाने में। मैं ये सारे जो पिस्ते लगाए हैं उसे इस तरीके से स्पैचुला से हल्के हाथों से प्रेस कर लूंगी, जिससे कि जो पिस्ता है वो अच्छी तरीके से इस पर स्टिक हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही लाजवाब दिख रही है, ऐसे लग रहा है कि किसी हलवाई की दुकान में शोकेस में लगी हुई मिठाई है।
आप ये जरूर अपने घर पे बनाइएगा दोस्तों। फ्रेंड्स, अब मैं ये मिठाई को आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे सेट करने के लिए रख दूंगी। इसे ना रेफ्रिजरेशन की जरूरत है ना किसी और चीज की, बस रूम टेम्परेचर पे आप इसे ये बेकिंग ट्रे में सेट होने दीजिए। देखिए दोस्तों, ये बर्फी बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो गई है। अब हम इसके टुकड़े कट कर देंगे। वाओ दोस्तों, देखिए, आप देख सकते हैं कितना इवनली कट होकर हमारी ये बर्फी रेडी है। वैसे तो ये बर्फी को फ्रिज या फ्रीजर में रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं और आपको घाई है तो फिर आप इसे थोड़ी देर के लिए अगर फ्रीजर में रख लेंगे, जैसे 15-20 मिनट के लिए फ्रीजर में रख लेंगे, तो ये एकदम आसानी से कट होगी, डीमोल्ड हो जाएगी और फिर आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे स्टोर करने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट बर्फी जैसे हमने तैयार की थी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी। वाह, कितनी सुंदर लग रही है ये प्लेट, आप देख सकते हैं दोस्तों, तुरंत ही खाने का मन कर रहा होगा आपका भी। बिल्कुल भी देर ना करते हुए ये रेसिपी जल्द से जल्द अपने घर पर बनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। फ्रेंड्स, हमारी टेस्टी यम्मी एंड वेरी डिलिशियस बिना चॉकलेट के इस्तेमाल किए चॉकलेट की बर्फी बनकर तैयार है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई। आप ये रेसिपी इस रक्षाबंधन बनाकर अपने भाई को ज़रूर खिलाइए और ऐसी और रेसिपीज़ देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा।